गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास है, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, उसका जो हम टॉपिक नंबर 2, इससे पहले जो पढ़ने क्रिया, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 है विशेषण। आज का जो अध्याय है विशेषण। सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण होता क्या है, विशेषण क्या होता है। इसमें इस सबसे ही पता चल रहा है कि विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण से तात्पर्य है कि विशेषता बताने वाले शब्द। इसकी परिभाषा देखते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में संज्ञा सर्वनाम जो शब्द हैं, उनकी अगर विशेषता बताई जाए तो वो विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे, आपके विशेषण कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के द्वारा बताया गया है, सुंदर बालक, और दूसरा उदाहरण है पावधी। यहाँ पे देखो, सुंदर बालक, बालक कैसा है, सुंदर, यानी बालक की विशेषता क्या हो गई, सुंदर होना। जो सुंदर शब्द है यह आपको किसको बता रहा है, विशेषण को बता रहा है। और जो बालक शब्द वो क्या आपका विशेष्य, विशेष्य से तात्पर्य है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। सुंदर कौन है, बालक, क्योंकि बालक की विशेषता क्या है, सुंदर होना। इसलिए यहाँ पर बालक जो शब्द वो विशेष्य और सुंदर जो शब्द उसमें विशेषण है। इसी प्रकार पावर दही, पावर दही कितना है, पावर, तो पावर में तो आपका विशेषण और दही जो आपका क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इसके बाद देखो विशेष्य की परिभाषा भी नीचे लिखी है मैंने, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर बालक बराबर सुंदर कौन, बालक, तो बालक क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया। बालक क्या हो गया आपका, विशेष्य हो गया। इसके बाद देखते हैं हम विशेषण के भेद। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा, छोटा ही टॉपिक है, इसलिए अपन इसमें ज्यादा अच्छे से नहीं जा रहे। विशेषण, विशेषण कई बार अपन देखते हैं कि इसके 5 प्रकार होते हैं, कई बार देखते हैं अपन 6 प्रकार। वैसे विशेषण मुख्य रूप से होता 5 प्रकार का ही है, लेकिन आधुनिक जो हिंदी की जो विद्वान है उन्होंने कई जगह 6 भी मान रखा है, इसलिए अपन इसको 5 से 6, लेकिन मैं आपको 6 ही पढ़ाऊंगा पूरे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसको मैं 6 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं 6 बना देता हूं। सबसे पहले आता है आपका गुणवाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण दोषों की विशेषता बताई जाए, यानी किसी व्यक्ति किसी वस्तु के गुण और दोषों की बात की जाए, तो वहां पे कौन सा विशेषण हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आपका पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग रूप गुण दोष का बोध कराते हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं या उन्हें कहते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होता है, वह लाल फूल है, वह लाल फूल है, फूल कैसा है, लाल, लाल यानी कलर, और कलर क्या उसका किसी का रंग रंगा हो गया, रंग यानी उसकी कलरफुल, यानी कैसा है लाल फूल, कैसा है लाल, यानी फूल की विशेषता क्या हो गई, लाल होना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, लाल शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसके बाद देखते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण। इसके बाद देखते हैं अगला उदाहरण, गोरा सुंदर गाय है, गोरा नाम की गाय है, वो गाय कैसी है, सुंदर, कैसी है, सुंदर। और सुंदर होना क्या होता है, गुण होता है, क्वालिटी होती है, एक गुण होता है, क्वालिटी होती है, इसलिए यहाँ पे जो सुंदर शब्द गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक। नाम से ही पता चल रहा है कि जो शब्द संख्या व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, जो शब्द संख्या व सर्वनाम का बोध कराते हो उन्हें क्या कहेंगे अपन, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वैसे इसके और भी भेद होते हैं। तो जो पहला है वो आपका निश्चयवाचक, यानी निश्चय संख्यावाचक विशेषण, निश्चित, निश्चय, निश्चय संख्यावाचक विशेषण।
जैसे पांच भोर सात दीप पहला नंबर, यानी अपन नाम से समझे संख्या आ रही है और संख्या में कैसी है निश्चित है, पांच तो पांच ही होंगे, सात तो सात ही होगा, पहला तो पहला ही होगा, यानी संख्या की बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो संख्या वो किस रूप में है, निश्चित रूप में है। इसके बाद देखते हैं दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चित संख्या वाचक, जैसे कई कुछ सब बहुत थोड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, यानी आपको वाक्य मिलेगा उस वाक्य में जो है कुछ सब बहुत थोड़े या कई, जैसे मैं कहूँ कई सारे लोग आए या कई पुस्तकें हैं या थोड़ा थोड़ा दूर थोड़े दूर पर है, तो ऐसे जो उदाहरण है या ऐसे जो शब्द हैं जो अनिश्चित वाक्य को निगेट कर रहे हो वहां पे कौन सा हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्या वाचक, यानी यहाँ पे संख्या जो है निश्चित नहीं है, कुछ कोई बहुत थोड़े के रूप में प्रकट हो रहा है। इसके बाद तीसरा देखते हैं परिमाण वाचक विशेषण, परिमाण परिमाण यानी मापतोल, परिमाण से अर्थ होता है मापतोल से, यानी कोई वस्तु उसकी मापतोल निकालना, जैसे जिन शब्दों से संख्या में सर्वनाम, जिन शब्दों से संख्या या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है वो आपका परिमाण वाचक विशेषण कहलाता है। जैसे ये दो प्रकार का होता है, पहला कौन सा होता है निश्चित परिमाण वाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाण वाचक। पहला है निश्चित परिमाण वाचक, जैसे चार किलो चीनी, क्योंकि परिमाण की बात परिणाम की बात करें तो किलो, जो किलो है चार, क्योंकि कैसा है चार किलो और केजी किस में आप मापतोल में लेते हैं, तो जैसे चार किलो नाम कैसा निश्चित, यानी कितने किलो है चार किलो है, चीनी क्या वस्तु है चीनी, तो यहाँ पे जो है इसका कैसा हो गया ये निश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो गया। ऐसे दस लीटर दूध, दूध कितना है दस लीटर। इसके बाद दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, जैसे कुछ कपड़ा थोड़ा दूध, अभी भी कुछ शब्द है ये परिमाण कपड़ा है, क्योंकि कपड़ा क्या है मीटर में नापा जाता है, दूध लीटर में नापा जाता है, लेकिन कुछ और थोड़े शब्द लग रहे इससे पता लग रहा है कि निश्चित नहीं है, कुछ पता नहीं कितना है, थोड़ा पता नहीं कितना ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा वाचक हो गया आपका अनिश्चित परिमाण वाचक हो गया। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा है संकेत वाचक विशेषण, नाम से पता चल रहा है कि किसी वस्तु किसी व्यक्ति की ओर यानी संकेत किया जाए, यानी संकेत से पता चले, संकेत से विशेषण वाचक शब्दों का पता चल रहा हो। जैसे परिभाषा देखें, जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हो, ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हो उन्हें क्या कहेंगे अपन संकेत वाचक विशेषण कहेंगे। ये भी दो प्रकार के होते हैं निश्चित संकेत वाचक और अनिश्चित संकेत वाचक। पहला देखते हैं निश्चित संकेत वाचक, जैसे यह है पुस्तक मेरी है, यह जो शब्द है ये कैसा है सर्वनाम, ये क्या है सर्वनाम, ये जो है क्या है शब्द सर्वनाम है मेरी, यानी किसके ओर कर रहा है स्वयं की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है ये है पुस्तक किसकी है मेरी है, निश्चित रूप से क्या है मेरी है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा हो गया निश्चित संकेत वाचक विशेषण हो गया। इसके बाद देखो अगला जो है अनिश्चित संकेत वाचक विशेषण, शायद ये है पुस्तक शायद राम आए क्योंकि यहाँ पे जो सारे शब्द है वो निश्चित नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आए, या मैं यहाँ पे ये भी डाल सकता हूं शायद यह राम की पुस्तक है, शायद यह राम की पुस्तक है क्योंकि निश्चित नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इस प्रकार के जो उदाहरण जाएंगे वो आपके अनिश्चित संकेत वाचक में जाएंगे। फिर देखो आगे पांचवा व्यक्ति वाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्ति वाचक संज्ञाओं से बनते हैं, व्यक्ति वाचक यानी व्यक्ति वाचक शब्दों से
या संज्ञाओं से बनने वाले जो शब्द हैं वो सब किसमें जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएंगे। किसमें जाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण में जाएंगे। जैसे जयपुरी रजाइयां या जयपुर। जयपुर क्या है? कोई स्थान विशेष है, यानी जो संज्ञा का प्रकार हो गया व्यक्तिवाचक, क्योंकि जयपुर को स्थान हो गया, और स्थान होने से कैसा हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, स्थानवाचक हो गया, और रजाई, रजाई जो है वहां की क्या हो गई? कोई वस्तु हो गई। तो यहाँ पर किसको किसकी ओर लिप्त कर रहा है? व्यक्तिवाचक विशेषण की ओर। इसी प्रकार बीकानेरी भुजिया, भुजिया कहाँ का है? बीकानेर का, स्थान विशेष का, यानी किसी व्यक्ति विशेष स्थान विशेष की ओर संकेत करने से कैसा हो गया? व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद देखते हैं घनतावाचक। ये जो आपका है अन्य, इसको अन्य प्रकार का विशेषण भी कहते हैं या घनतावाचक विशेषण भी कहते हैं। ये छठे प्रकार का आपका है, जो लास्ट है घनतावाचक विशेषण, जो विशेषण संख्या शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हुए विशेषता बदलाए। भिन्नता प्रकट करते हुए क्या करे? विशेषता बदलाए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, यहाँ प्रत्येक शब्द है, इस प्रत्येक शब्द ने इस प्रत्येक शब्द से जो भिन्नता को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? आपका भिन्नतावाचक विशेषण हो गया। इसी का दूसरा नाम देखो, देश का हर एक नागरिक ईमानदार हो। कौन? देश का हर एक, यानी प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, यहाँ पे जो हर एक शब्द है ये किसको बता रहा है? भिन्नतावाचक विशेषता को बता रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? आपका भिन्नतावाचक विशेषण हो गया। इसका जो अंतिम विशेषण की अवस्थाएं, कि विशेषण की कितनी, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि कई बार आपको जो है मूल शब्द दे देता है और पूछता है कि विशेषण की उत्तरावस्था है उत्तम अवस्था बताइए, या कितनी अवस्थाएं होती है। तो विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है बच्चों? तीन। कितनी होती है? तीन। कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? तीन। तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ठीक है, तो अपन देखें किस उदाहरण लिया। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो इसका मूल अवस्था है, मूल अवस्था हो गई या मूल शब्द हो गया, इसकी उत्तरावस्था हो गई, इसमें श्रेष्ठ में क्या बन जाएगा? तर। तो क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तर। देखो यहाँ पे तर और तम, और यहाँ पे मूल, यानी मूल शब्द हो गया श्रेष्ठ, और तर शब्द होने से क्या हो गया? श्रेष्ठ तर, और तम शब्द होने से बन गया श्रेष्ठतम। इसी प्रकार लघु से लघुतर और लघुतम, इसी प्रकार ज्येष्ठ से ज्येष्ठतर और ज्येष्ठतम। तो इस प्रकार से जो और भी कई सारे शब्द हैं जिनसे मिलकर आपकी जो तीनों अवस्थाएं बनती है, मूल शब्द से उत्तरावस्था उत्तम अवस्था का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है आपका विशेषण का जो टॉपिक है इसी के साथ समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।